सितारगंज के विकास कार्य को प्रारंभ कराए जाने एवं ईडीएम कांडपाल के स्थानांतरण सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका परिसर में आज 18वें दिन भी धरना जारी रहा। आज धरना स्थल पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे तथा उनके समर्थकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर संदेश दिया कि 18 दिन लगातार नगर पालिका परिषद में रुके हुए विकास कार्यों का प्रारंभ कराए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे शासन और प्रशासन भैंस बन गए हैं और लगातार चल रहे धरना प्रदर्शन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया है। तथा धरना स्थल पर सभा कर वक्ताओं ने कहा कि शासन और प्रशासन आंदोलनकारियों को आंदोलन उग्र करने के लिए उकसा रहे हैं। पालिका से अध्यक्ष हरीश दुबे ने चेतावनी दी कि अगर अब प्रशासन ने सुध नहीं ली तो अपना धरना प्रदर्शन में इन चौराहा सितारगंज पर प्रारंभ कर देंगे और नगर में अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज की होगी। उन्होंने कहा कि अपने समर्थकों से कि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की खास खबर। पर आज 18वां दिन है हमारी मांगों को लेकर, लेकिन प्रशासन और शासन और जो है कि कान में रुई डालकर बैठा हुआ है। आज ये संदेश बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि भैंस के आगे ऐसा लग रहा है कि हम आंदोलनकारी भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। आज मैंने ये भैंस के आगे बीन बजाकर ये संदेश देना चाहा है कि इस तरीके की अगर इन्होंने अब भी हमारी सुध नहीं ली तो निश्चित रूप से ये सारा धरना प्रदर्शन हम मेन चौराहा सितारगंज में ले जाकर बैठा देंगे और हम सितारगंज चौराहे पर अब ये धरना प्रदर्शन करने लगेंगे।